कांग्रेस कार्यालय पहुंचे बजरंगबली। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने पवन पुत्र को खिलाए लड्डू। दिल्ली से लेकर बेंगलुरु तक जश्न में कांग्रेस। नहीं चला बीजेपी के नफरत का बाजार। हमने नफरत से, गलत शब्दों से ये लड़ाई नहीं लड़ी, हमने मोहब्बत से, प्यार से, दिल खोल के ये लड़ाई लड़ी और कर्नाटक की जनता ने हमें दिखाया कि ये देश मोहब्बत को, मोहब्बत इस देश को अच्छी लगती है। हिजाब, बीफ बैन, बजरंग दल, समान नागरिक संहिता, लव जिहाद, केरला स्टोरी, मुस्लिम आरक्षण, 91 गाली। बीजेपी ने कर्नाटक का चुनाव जीतने के लिए अपने पिटारे से ध्रुवीकरण का हर अस्त्र का इस्तेमाल किया, लेकिन कहते हैं ना, ये पब्लिक है, सब जानती है। नफरत का बाजार सिमटने लगा है, मोहब्बत की दुकान खुलने लगी है। कर्नाटक की जनता ने हमें दिखाया कि ये देश मोहब्बत को, मोहब्बत इस देश को अच्छी लगती है। दरअसल भारत जोड़ो यात्रा कर्नाटक में 21 निर्वाचन क्षेत्रों से होकर गुजरी और कांग्रेस ने सभी 21 निर्वाचन क्षेत्रों को भाजपा से मुक्त कर दिया है। कर्नाटक विधानसभा की सभी 224 सीटों पर रुझान आ गए हैं। चुनाव आयोग द्वारा जारी रुझान में कर्नाटक में बीते 38 सालों का ट्रेंड बदलता नहीं दिख रहा है। ट्रेंड के अनुसार एक बार फिर राज्य में सरकार बदलती रही है। रुझानों में कांग्रेस ने बड़ी बढ़त बनाते हुए बहुमत का आंकड़ा पार कर लिया है। कांग्रेस 130 सीटें और भाजपा 66 सीटों पर आगे चल रही है। भाजपा सरकार के कई कैबिनेट मंत्री पीछे चल रहे हैं। बेंगलुरु में भी भाजपा पिछड़ गई है, वहीं जेडीएस केवल 22 सीटों पर आगे है। इसी बीच दिल्ली के कांग्रेस कार्यालय के जश्न का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। इसमें आप देख सकते हैं कि कैसे कांग्रेस के नेता एक दूसरे को जीत की खुशी में लड्डू खिला रहे हैं। इसी वीडियो में एक अनोखी चीज दिख रही है, जिसमें देखिए कैसे कांग्रेस कार्यालय में बजरंगबली खुद आ गए हैं और कांग्रेस के हाथों उत्साहित कार्यकर्ता अपने हाथों से पवन पुत्र को लड्डू खिला रहे हैं। कर्नाटक चुनाव में बीजेपी की ओर से जिस मुद्दे को सबसे ज्यादा जोरों शोरों से उठाया गया था, वो मुद्दा था बजरंग दल के बैन का। कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में जैसे ही बजरंग दल के बैन का ऐलान किया, बीजेपी के नेताओं ने इस मुद्दे को हाथों हाथ लपक लिया। बीजेपी नेता जगह जगह हनुमान चालीसा का पाठ करने लगे। एक्सिस माई इंडिया के पोल अनुमान है कि कांग्रेस ने बजरंग दल पर बैन लगाने का जो वादा किया था, उससे तो उसे काफी फायदा हुआ है और वो मुस्लिम तुष्टिकरण करके मुसलमानों के वोट लाने में कामयाब हो गई है। लेकिन बीजेपी ने जो बजरंग बली का मुद्दा बनाया, इससे उसे कुछ फायदा तो हुआ नहीं। कर्नाटक में इस बार मुसलमानों ने एकजुट होकर कांग्रेस को वोट दिया है। बीजेपी ने बजरंग दल को सीधे बजरंग बली से जोड़ दिया था। बीजेपी ने भले पूरे चुनाव के दौरान बजरंग दल को लेकर कांग्रेस को घेरने की कोशिश की, लेकिन नतीजा देखकर ये साफ हो गया है कि बीजेपी का बजरंग दल वाला मुद्दा बुरी तरह पिट गया, क्योंकि बजरंग बली एक आस्था का विषय है। कर्नाटक की जनता ने अपनी मत का प्रयोग कर ये बात भाजपा और भाजपाओं के बड़े बड़े सुरमाओं को बता दिया है कि हनुमान जी आस्था का मुद्दा है, राजनीति का नहीं। चुनावी नतीजा बताता है कि आखिर भाजपा का ये प्रयोग कर्नाटक चुनाव में नहीं दिखा। कर्नाटक की जनता ने जाति, धर्म और आस्था से ऊपर उठकर इस चुनाव में वोट दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, द कंटाप।